नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि क्या, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि वे प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि दूध के अंदर होता है, तो हमें दूध से मिलता है। तो जो वे प्रोटीन पाउडर आप खरीद रहे हो, तो क्या वो उस पाउडर को पीना पानी में मिला करके और उतने ही बराबर का दूध से वे प्रोटीन लेना, क्या दोनों एकदम एक जैसी चीज़ है? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आप खाने में से कोई एक चीज़ निकाल करके खाओ और आप उस खाने को पूरा साथ में खाओ, तो दोनों शरीर में जाकर के एक जैसे काम करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप वे प्रोटीन, खाली वे प्रोटीन अलग से किया हुआ, अलग से दूध से अलग से वे प्रोटीन निकाल लिया हुआ, उसे आप पानी में मिला के पी रहे हो। मान लो आपने 8 ग्राम वो पी लिया और उस 8 ग्राम के बदले आपने 1 लीटर दूध पिया जिसमें वो 8 ग्राम वे प्रोटीन था। तो ऐसा है कि भले आप 1 लीटर दूध मत पियो, लेकिन ऐसा है कि जब आप दूध के साथ में वो वे प्रोटीन आपको मिल रहा है ना, तो उसके साथ में कई और चीज़ें आ रही है, उसमें दूध की मिठास है, उसमें दूध का फैट है, तो वो और दूध की और भी कई सारी चीज़ें उसमें जुड़ी है, दूध का पानी है उसमें, उसमें और भी दूध के विटामिन मिनरल और काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी है। तो वो सब हो सकता है आपके शरीर में मिलजुल करके कुछ एक अलग तरीके से काम कर रहे हो, और जो आपने सिर्फ पाउडर लिया वो सिर्फ वे प्रोटीन अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। अब ऐसा भी है कि कोई चीज़, जैसे आपने चीनी खाई वो जल्दी से पच करके उसने ब्लड शुगर बढ़ा दी, आपकी खून में शुगर बढ़ा दी, और वही चीनी आपने घी में मिला के खाई, तो वो घी धीरे धीरे पचेगा, चीनी जल्दी पचती है, तो घी के साथ होने के कारण चीनी धीरे धीरे पचेगी, तो वो आपकी ब्लड शुगर उतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी जितनी खाली चीनी खाने में बढ़ाती। तो वैसे ही आप खाली वे प्रोटीन पाउडर पी रहे हो तो वो आपके शरीर में एकदम वैसे ही काम नहीं करेगा जैसा वो ही वे प्रोटीन आप दूध के साथ में लेते, क्योंकि दूध में फैट भी है जो कि उसे धीरे पचाएगा, दूध में साथ में केसिन प्रोटीन भी है, केसिन और वे प्रोटीन हो सकता है साथ में मिल करके काम कर जाए, दूध में और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है वे प्रोटीन के साथ में मिल करके कुछ काम करती हूँ आपके शरीर में, जो कि कुदरती काम होगा क्योंकि कुदरत ने उसे वैसे ही बनाया। तो अगर आपके पास में कोई खास कारण नहीं है कि मेरे को वे प्रोटीन पाउडर इसलिए लेना ही है, या कोई बहुत ठोस कारण नहीं है, तो अगर आप सिर्फ हेल्थ वेल्थ के हिसाब से सोच रहे हो तो आप नॉर्मल दूध पियो, आपको पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुदरती चीज़ है उसको उसमें से कुछ चीज़ें निकाल कर आप सोचोगे वैसे की वैसे ही काम कर देंगे, जैसे वो 1 लीटर दूध में 8 ग्राम वे प्रोटीन मेरे साथ काम, मेरे शरीर में काम कर, वैसे वैसे ये 8 ग्राम वे प्रोटीन का पाउडर मेरे लिए काम कर जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो कुदरती चीज़ है उसको कुदरती रहने दो। अगर आपको लग रहा है कि कई बार लोगों को कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी होती है, बहुत कम कैलोरीज में बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना पड़ जाता है इस तरीके से, तो आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो बात अलग है, वरना आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा।